आज हम बनाएंगे काला चना और मटर की स्प्राउट चाट। चना मटर स्प्राउट चाट बनाना आसान भी है और यह बहुत चटपटा, टेस्टी और हेल्दी भी है, तो इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुपलता और आपका अनुपलतास किचन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। यहाँ पर हम एक कटोरी काला चना लिए हैं और आधी कटोरी व्हाइट वाला मटर लिए हैं। इसे 7-8 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिए थे, फिर इसे पानी से छानकर एक सूती कपड़े में बांधकर 5-6 घंटे के लिए रख दिए, जिससे कि यह अंकुरित हो गया और अब हम इसे बॉईल कर लेंगे। गैस जलाकर उस पर एक कुकर रख देंगे, उसमें चना और मटर का स्प्राउट डाल देंगे और एक गिलास के लगभग पानी डालेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और कुकर को बंद कर देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर 3 सीटी लगाएंगे, उसके बाद इसका प्रेशर जब निकल जाए तब इसे खोलकर चेक कर लेंगे। चना और मटर को प्रेस करके देखेंगे, यह अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब एक कटोरी लेंगे, उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल बना लेंगे और इसका घोल बना लेने से होगा क्या, मसाले अच्छी तरह से फूल जाएंगे और जब हम इसे तेल में डालेंगे तो यह जलेगा नहीं। गैस जलाकर कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही इसमें थोड़ा सा जीरा और हींग डाल देंगे। जब जीरा चटक जाए तो इसमें मिक्स किया हुआ मसाला डाल देंगे। मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो मसाला को चलाते हुए इस तरह से हम थोड़ी देर तक इसे भूनेंगे। मसाले से जब तेल अलग होने लगेगा तब इसमें उबला हुआ चना मटर का स्प्राउट डाल देंगे। इसे चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। तो थोड़ी देर इसे इस तरह से भून लेना है। जब ये अच्छे से भून जाए तब इसमें बारीक कटा हुआ आलू डाल देंगे। तो 2 आलू को बॉईल करके इसके छिलके हटाकर इसे बारीक काट लिए हैं, इसे डाल देंगे और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और यह अच्छी तरह से भून गया है। गैस को ऑफ कर देंगे और अब इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे, बारीक कटा हुआ प्याज, हरी धनिया पत्ती, 3 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, इन सारी चीजों को डाल देंगे और अब इसमें नींबू का रस डाल देंगे। फिर यहाँ पर थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे। ध्यान रखें कि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं इसमें, तो काला नमक सिर्फ थोड़ा सा ही डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देंगे। अगर अमचूर पाउडर आप नहीं डालना चाहें तो कोई बात नहीं, इसे छोड़ दीजिए। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिला देंगे। तो लाजवाब चटपटा अंकुरित चना मटर चाट सर्व करने के लिए तैयार है, तो इसे सर्व कर लेते हैं। चना मटर स्प्राउट चाट बनकर तैयार है। यह बहुत ही स्वादिष्ट बना है।
इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। चाट देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है ना, तो इसे फटाफट बनाइए। बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अब इसे ऊपर से सजा देंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल देंगे। अगर चटनी ना हो आपके पास तो टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं। बारीक वाला भुजिया डाल देंगे। ऊपर से हरी धनिया पत्ती डाल देंगे और चाट सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है।